ठीक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है तो चाय दूसरी बार बन रही है और बच्चों को दूध दे दिया है मैंने। और इधर मैं मसाला पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये है आटा और इसके साथ मैं बेसन भी थोड़ा डालूँगी इसमें और थोड़े मसाले वगैरह ऐड करके उसमें थोड़ा मोया नमक वगैरह ऐड कर दूँगी। और अब इसको मैं अच्छे से पूड़ी के आटे की तरह गूँथ लूँगी और गूँथ के थोड़ी देर ढक के छोड़ दूँगी मैं। तो इस तरह से इसको मैं छोले के साथ बनाऊँगी। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज है रक्षाबंधन। आज अभी मैं आ गई हूँ किचन से बाहर, क्योंकि इन लोग को देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत छोटे हैं। और आप लोग कैसे मनाएं रक्षाबंधन, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इधर ये रिद्धिमा इसको आरती कर रही है और थाली में सारा उसने खुद ही सजाया है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को खुद अपने से करना आना चाहिए। से ही लगने लगता है कि हम कैसे त्यौहार मनाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है, मम्मी ये करना मम्मी वो करना, बस यही रहता है दोनों को। कोई भी त्यौहार है तो यही रहे, त्यौहार तो खुशियों का त्यौहार होता है। और आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन हम सभी लोगों की तरफ से। इस देखिए रुद्र और रिद्धिमा की राखी। रिद्धिमा रुद्र को राखी बांध रही है और उसकी सारी बहनों का बाहर से आया है राखी, तो वो सारों को बांध रही है और रिद्धिमा ही बांधेगी, कौन बांधेगा। तो ऐसे ही इन लोगों का राखी मनाया इन लोगों ने और मिठाई खिलाया विलाया। तो आपने कैसे किया ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो एंजॉय करिए आप लोग। कौन खाने वाला है ये? मैं रिद्धिमा तुम तो ले नहीं लियो, खाओ खाओ। और गाइस, अब सारा प्रोग्राम इन लोग का हो गया है, दोनों ने राखी बांध लिया है, मस्ती भी कर लिया है। उसके बाद मैं अब यहाँ खाना बनाने आ गई हूँ। ये मटर है, मैंने सुबह नहीं डाला था तो अभी इसको बनाऊँगी मैं। और ये देखिए इधर, वो जो मैंने आटा गूंथा था उसको अभी पूड़ी की तरह तलूंगी इसको, लेकिन मैं इसको शेप देती हूँ ताकि रुद्र मेरा खा सके, क्योंकि रुद्र बहुत नाटक करता है। तो उसको मुझे अलग शेप और कलर चेंज करके हर चीज़ खिलाना पड़ता है। तो आप भी ऐसा कर सकते गाइस, अगर आपके बच्चे खाना ढंग से नहीं खाते हो, उनको अलग अलग शेप कलर चेंज करके आप खाना बना के दे सकते हैं। बस इधर मैं ये पैनकेक को अप्पे सांचे में डाल के बनाई थी, बहुत ही यमी बना था, आप भी ट्राई कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह से मैं अभी आई हूँ आप लोगों के सामने। तो सुबह तो दिखाया मैंने, बट उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के सो गए, सॉरी। और अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं और तैयार होकर हम बाहर जा रहे हैं। तो चलिए अभी बाहर जाएंगे, बाहर में क्या क्या करते हैं सारा चीज़ आपके साथ शेयर होगा, ठीक है। मेरे दिमाग रोड़ी को बाहर लेके जा रहे हैं। और गाइस, जैसे ही हम लोग बाहर निकले बहुत ही रश था, बहुत गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हुआ था कि क्या बोले। फिर भी हमने रिद्धिमा के लिए गिफ्ट ले लिया है और चलिए घर में देखते हैं क्या है। गिफ्ट देने वाला है, क्या है, क्या लेके आया? सरप्राइज है, दे दो दीदी को, खुल के दिखाओ रिद्धिमा क्या है।
क्या है? देखो 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 भाई, ये दिखाओ व्यूअर्स को क्या लाए हैं मार्केट से। तेरे से घूमते रिद्धिमा के लिए वॉच लेके आए। कैसा है रिद्धिमा? बहुत अच्छा है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। कैसा है रिद्धिमा तुम्हारा अच्छा गिफ्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा। रुद्र को थैंक यू बोलो भाई। थैंक यू अब और उसके बाद हम लोग गाइस घर से बाहर निकले क्योंकि हमें भूख लगी थी और कैफे आया हम लोग, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ थी कि रुद्र परेशान हो गया, तो हमने खाना पैक करा के घर लेके आए पार्सल। तो सारा चाइनीज़ फूड ही पैक कराया क्योंकि बच्चों की डिमांड थी। तो पहली बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं। हमें यहाँ ये नहीं मालूम था कि इतना रश रहेगा, फिर भी हमने एक घंटे बैठ के यहाँ पे खाना पैक करवाया और घर आके ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने खाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से यहीं विदा लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए, तो गाइस अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। और आज हमने ऐसे ही मनाया क्योंकि मेरे घर में वैसे भी 2 महीने पहले मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, तो उतना कुछ खास नहीं किया। बच्चों को कपड़े भी रिद्धिमा को पहले से ले के रखा हुआ था, उसका जीन्स और टी शर्ट और एक जो सुबह उसने फ्रॉक पहना था। और रुद्र के लिए मैंने कुछ नहीं लिया, उसका पहले का ही टी शर्ट था। तो हम लोग ऐसे ही मनाया इस बार रक्षाबंधन। अभी हमारा त्यौहार ऐसे ही जाएगा, ज़्यादा धूमधाम नहीं करेंगे, तो भाई बहन का त्यौहार है तो ये तो करना ही था। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।